हे गाइस, अभी विंडोज 11 कुछ दिन पहले लीक हुआ था एंड नाउ इट्स ऑफिशियली अनाउंस। इट्स ऑलमोस्ट 5 ईयर्स के बाद हमें इसमें मेजर अपडेट देखने को मिल रहा है जो काफ़ी सारे न्यू फीचर और डिज़ाइन इंप्रूवमेंट्स के साथ आने वाला है। तो चलिए करते हैं ना एक्सप्लोर, जानते हैं इनके बारे में डिटेल में विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे मेजर डिज़ाइन चेंज की बात की जाए तो विंडोज 11 में हमें स्टार्ट मेन्यू और टास्क बार अब सेंटर पोजीशन में मिलेंगे। यूनिवर्सल सर्च स्मूथ और फ्लुएंट डिजाइन के साथ आएगा। सेटिंग्स में हमें न्यू UI मिलेगी विच लुक्स मच बेटर एंड क्लीनर। एंड गाइज, अब स्टार्ट मेन्यू पर लाइव टाइल्स की जगह हमें पिंड एप्स यूज करने के लिए मिल जाएगी। थैंक्स टू माइक्रोसॉफ्ट दैट बॉक्सी टाइल्स आर नाउ गॉन। इसी के साथ अब हमें विंडोज में न्यू आइकॉन पैक्स, थीम्स और राउंडेड कॉर्नर के साथ फ्लुएंट डिजाइन एंटायर सिस्टम में देखने के लिए मिलेगी। प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने काफी सारे चेंजेस करे। अब हम एप्स को इजिली अलाइन करने के साथ एप्स को ग्रुप में एड भी कर सकते हैं, जिससे हम सिंगल क्लिक में मल्टीपल एप्स को सेम टाइम पर ओपन कर पाएंगे। अनदर मेजर इम्प्रूवमेंट इज कि विंडोज एक्सटर्नल मॉनिटर मोड पर एप्स की पोजीशंस को याद रख सकता है। यदि हम मॉनिटर को पीसी से डिस्कनेक्ट करते हैं तो हमारी एप्स मिनिमाइज हो जाती है एंड मॉनिटर से रिकनेक्ट करने पर हमें सेम अलाइनमेंट में विंडोज की एप्स शो हो जाएगी। नेक्स्ट बिग थिंग इज कि माइक्रोसॉफ्ट ने टीम्स को अब इंटीग्रेट कर दिया है। पर्सनली आई नेवर यूज टीम एज अ कैजुअल चैट और वीडियो प्लेटफॉर्म, मोस्टली मैंने इसे बिजनेस और कॉर्पोरेट वे में ही यूज करा है। नाउ लेट्स सी वेयर इट गोज। अ वर्चुअल डेस्कटॉप मैनेज करना हमें काफी आसान हो जाएगा। अब हम टास्क बार को इजिली स्विच करने के साथ वर्चुअल डेस्कटॉप पर डिफरेंट वॉलपेपर्स को भी यूज कर पाएंगे। फीचर्स की बात की जाए तो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में हमें काफी न्यू मेजर इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलेंगे। अब विंडोज में हम विंडोज Win32 सॉफ्टवेयर्स को डायरेक्टली स्टोर से डाउनलोड कर पाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट इज ट्राइंग रियली हार्ड टू गेट डेवलपर्स ऑन बोर्ड। इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने रेवेन्यू फ्री लिस्टिंग का ऑप्शन दिया है, जिससे डेवलपर्स अपनी एप्स को डायरेक्टली लिस्ट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे विदाउट पेइंग एनी कॉस्ट। एंड द बेस्ट थिंग गाइस कि अब अमेज़न ऐप स्टोर का इंटीग्रेशन देखने के लिए मिलेगा, जिससे हम एंड्रॉयड एप्स को डायरेक्टली विंडोज में इंस्टॉल कर सकते हैं। आई होप हम किसी भी एंड्रॉयड ऐप को इजिली साइड लोड कर पाएं, इट वुड बी परफेक्ट। अनदर थिंग गाइस, हमें विंडोज में विकेट सेट करने के साथ इंटरेस्ट बेस्ड न्यूज को एट अ ग्लांस चेक कर पाएंगे। इसके लिए हमें एक डेडिकेटेड पैनल मिलेगा, जिसे हम टच डिवाइस में लेफ्ट स्वाइप करके या फिर आइकॉन पे क्लिक करके एक्सेस कर पाएंगे। पीसी गेमर्स के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने काफी सारे न्यू मेजर चेंजेस को ऐड किया है। अब हमें बेटर परफॉर्मेंस और हाई फ्रेम रेट्स देखने के लिए मिलेगा DirectX 12 के थ्रू। और विजुअल इंप्रूवमेंट्स के लिए गेम्स ऑटो HDR पर स्विच हो जाएंगे, जिससे हमें बेटर और विविड कलर्स देखने के लिए मिलेंगे। अब गेम्स के लोड टाइम को फास्ट करने के लिए हमें विंडोज में डायरेक्ट स्टोरेज का फीचर मिलेगा, जिससे गेम्स CPU की जगह डायरेक्टली अब ग्राफिक कार्ड पर लोड हो पाएंगे। इसी के साथ अब माइक्रोसॉफ्ट Xbox ऐप हमें बिल्ट इन देखने के लिए मिलेगी, जिसमें हम गेम पास का यूज करके 100 से ज्यादा गेम्स एक्सेस कर पाएंगे। Still, we don't know which games are in the title. So, pretty much that's it, guys, for this video. ये थे कुछ major improvement और performance changes जो हमें upcoming Windows 11 में देखने के लिए मिलेंगे। यदि आप देखना चाहते हैं कि आपका Windows PC support करेगा Windows का upcoming Windows 11, तो आप इसके लिए link को description से checkout कर सकते हैं। यदि आपको video पसंद आया तो आप इसे like कर सकते हैं। Tech related content में interested हैं तो आप channel को subscribe भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई सी यू इन द नेक्स्ट वन।